मेरे दोस्त थे। मेरे आपके दोस्त थे जी। कब सूचना मिली आपको? अभी मिली, अब अभी सो के उठे। मेरे घर वाले पता है हम अभी आए। कहाँ इनका घर? कहाँ है इनका घर? गया जिला है सिरघाट। नमस्कार दोस्तों, आप लोग देखना स्टार्ट कर चुके हैं जस्ट बिहार और मैं हूं आपका दोस्त पंकज। अभी हम मौजूद हैं NH 27 पे। यहां पे देख सकते हैं काफ़ी लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई है और यहां पे एक ट्रक जो कि काफ़ी तेज थी और ये ट्रक आते हुए दो दुकानों को तोड़ते हुए मंदिर को जाकर तोड़ दिए, जो कि उसमें का जो ड्राइवर होता है और जो खलासी होता है दोनों की स्पॉट मौत हो चुकी है। हम यहां पे देख सकते हैं काफ़ी सारे लोग हैं यहां पे मौजूद और अभी हम NH 27 पे हैं। आइए यहां की स्थितियों के बारे में बताएंगे आप सभी के साथ और ये जानने का प्रयास करेंगे ये घटना कब की है और इस घटना में कितने लोगों की मौत हुई है, कितने लोगों की जानमाल की हानि हुई है, हम जानने का प्रयास करें। देख सकते हैं हमारे साथ यहाँ पे जो ट्रक के निकालने वाली गाड़ी आती है वो भी आ चुकी है और प्रशासन पूरी तरह से अपना इस जो डेड बॉडी उसे निकालने में प्रयास कर रही है, लेकिन ट्रक जो है खाई में गिर जाने के कारण डेड बॉडी नहीं निकाला जा रहा है। यहाँ पे जानने का प्रयास करेंगे कि घटना कब की है और क्या स्थिति है, आइए दिखाते हैं। हम चाहेंगे कैमरामैन से कि वो इस स्थिति को पूरी तरह घुमा घुमा कर दिखाने का प्रयास करें। तो आइए देखते हैं और क्या स्थिति है अभी तक, आइए बात करके बताते हैं आप सभी के सामने कि घटना कब की है। ये घटना कब की है? ये घटना कब की है? 5:30 की है। अच्छा, जो अभी जो घटना हुआ तो आप लोग यहाँ पे मौजूद थे जी? गाड़ी फास्ट थी या स्लो थी? गाड़ी फास्ट थी, बहुत फास्ट थी जी। और इसमें कितने लोग थे मौजूद यहाँ पे? करीब करीब वही 2-4 आदमी फिलहाल में दुकान उकान अपना देख रहे थे, इसलिए हट गए। गाड़ी आए तो उसके हट गए। किसी प्रकार किसी को क्षति नहीं हुई है जी? नहीं, किसी प्रकार क्षति नहीं हुई। जैसे कि मंदिर के हुई है, बाकी ये सब हुआ है, बाकी कोई नहीं। जैसे कि लोगों स्थानीय लोग यहाँ पे बता रहे हैं कि यहाँ पे सिर्फ जो ड्राइवर थे उन्हीं को क्षति हुआ और किसी प्रकार की यहाँ पे जो स्थानीय लोग थे उनको क्षति नहीं हुई है। यहाँ पे इसमें 2 आदमी मौजूद हैं जो कि एक ड्राइवर और एक खलासी हैं। हम जानेंगे यहाँ पे जो प्रशासन है उनसे भी जानने के प्रयास करेंगे कि इनको कब तक निकालने का प्रयास किया जाए। हम उस परिवार के साथ अभी जुड़े हैं, उनके भाई के साथ। उस परिवार पे दुखों का पहाड़ टूट चुका है। जिस परिवार से एक साथ दो बड़ी निकलेगी, दो लाश निकलेगी, दो मैयत निकलेगी, तो आप सोच सकते हैं कि उस घर परिवार पे क्या बीत रहा होगा। आपके कौन थे वो? मेरे दोस्त थे। आपके दोस्त थे जी? कब सूचना मिली आपको? अभी मिली, अब अभी सो के उठे। मेरे घर वाले पता है हम अभी आए। कहाँ इनका घर? कहाँ है इनका घर? गया जिला है सिरघाटी। अच्छा, गया जिला के हैं ये और यहीं पे जॉब करते थे? हाँ, यहीं पे करते थे, मेरे ही गांव में। दोनों भाई हैं? हाँ, दोनों भाई हैं वो लोग। इनके दोस्त हैं और दोस्त का मतलब कह सकते हैं कि कृष्ण का दोस्त अगर कोई था तो सुदामा था। उस ठीक उसी तरह दोस्त का उससे बड़ा परिभाषा कोई नहीं हो सकता और दोस्त का इससे भी बड़ा कोई मतलब कह सकते हैं एग्जाम्पल नहीं हो सकता। जिस तरह से ये आंखें नम है, रो रहे हैं लोग, सभी लोग जितने आए हैं, मैं चाहूँगा कि आप एक बार दिखा दीजिए सभी लोगों को। लोग भी नम है, जिस तरह का जिस घर से दो अर्थियाँ, एक एक नहीं दो दो अर्थियाँ एक साथ निकलेगी, उस परिवार पे क्या बीत रहा होगा, उस माँ बाप पे क्या बीत रहा होगा, उस गांव पे क्या बीत रहा होगा, आप सोच सकते हैं। आप लोग हमारे साथ देख रहे थे कैमरामैन सुमित के साथ पंकज की रिपोर्ट।